चैनल मैं आगे से दिख रहा, आप देख रहे हैं पाकिजा ब्लॉग। तो आज मैं आया हुआ हूँ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद आप जानते होंगे कि यहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और फिरोजाबाद जो सुहाग नगर के नाम से भी जाना जाता है, और ये काफ़ी फेमस है, और एकमात्र यहीं पर चूड़ी बनाई जाती है। तो चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं शुरू से लेकर एंड तक सारे कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं हम। और जैसे आप देख रहे हैं, जो कि मैं आपको पीछे के कैमरे से करके दिखा दूं कि यहाँ पर कैसे काम होता है, कैसे वर्क किया जाता है, शुरू से लेकर एंड तक चूड़ी कैसे बनाई जाती है आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो जरूर देखें। तो चूड़ी बनाने का वर्क यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो राजस्थान से रेत लाई जाती है, और उस रेत में सोडा मिलाया जाता है टोल के हिसाब से, और उसमें कुछ केमिकल भी डाले जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सोडा डाल रहे हैं और रेत मिला रहे हैं। और जब मैं आपको इधर दिखाऊं तो यहाँ पर जो रेत मिलाई जा रही है, रेत में सोडा मिलाया जा रहा है, और यहाँ पर जो तोल के हिसाब से मिलाया जाता है कि कितनी रेत लगनी है और कितना सोडा रखना है और कितना केमिकल डालना है, उस हिसाब से इसे भट्टी में पहुँचाया जाता है, और भट्टी में उसे गर्म किया जाता है, तब जाके ये कांच में बदल जाता। तो अब चलते हैं हम अपनी भट्टी की तरफ, और भट्टी देखते हैं भट्टी इसकी कैसी होती है और कैसे कांच निकाला जाता है। तो पहले बात करते हैं हम भट्टी की, और भट्टी का आकार आप देख सकते हैं जो कि गोल है, और यहाँ पर जो वर्कर जो है यहाँ पर कुछ भट्टी में से निकाल रहे हैं, जो कि एक लावा दिख रहा है देखने में। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये जो लावा है जो मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान की रेत और सोडा और केमिकल मिलाकर उस रेत को इसके अंदर डाला जाता है, और पाइपलाइन की सहायता से इसमें गैस डाली जाती है जिससे ये लावा बन जाता है, और लावा को ये वर्कर जो हैं रोड की सहायता से निकालते हैं और एक साइड में ले जाते हैं, उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ ले जाते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम इसमें भट्टी की, जो कि आप भट्टी देख सकते हैं कि भट्टी में जो आपको होल टाइप नज़र आ रहा होगा, तो ये मैं आपको बता दूँ ये पोर्ट होती है, और ये 9 या 10 पोर्ट होती है, और इसमें जो गैस डाली जाती है वो पाइपलाइन आप देख सकते हैं कि जो काफ़ी मोटी पाइपलाइन है। तो चलते हैं आगे और देखते हैं, कर लेते हैं कि भट्टी में से लावा निकल कर जाता कहें। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्कर जो हैं इन्हें कहते हैं लॉन्ग वाले, तो ये लॉन्ग वाले जो हैं यहाँ पर इसे लाते हैं, और यहाँ पर ठंडा किया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा लावा है उसे ठंडा किया जाता है, फिर बड़ा लावा आ जाता है, जो कि मैं आपको इधर दिखा दूँ कि यहाँ पर बड़ा लावा लिया गया है, और यहाँ पर जो है बबल बनाई जा रही है, यहाँ पर इसे बबल बनाया जाता है, फिर यहाँ से ले जाकर इसमें ये तय किया जाता है कि इसमें कौन सा कलर डालना है और किस डिज़ाइन का रखना है, और ये काफ़ी रिस्की जॉब है। अगर ये थोड़ा सा बॉडी में टच भी हो जाता है तो बॉडी बुरी तरह जल जाती है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि बबल में कैसे डिज़ाइन डाला जाता है, और इसमें कैसे कांच की बत्ती लगाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बबल में जो है डिज़ाइन डाला जाता है, और इसे डिज़ाइन डालकर वहाँ पर ले जाया जाता है भट्टी पर, और वहाँ से यहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर हमारी चूड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे वर्कर यहाँ पर जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और ये जो है काफ़ी बड़ा है, और जब आपको ऊपर दिखाता हूँ तो यहाँ पर जो टीनें लगी हैं ताकि टेम्परेचर जो है बना रहे, ज़्यादा हाई ना हो, और यहाँ पर हमारी लॉन्ग बनकर तैयार हो चुकी है। पहले बबल होता है, फिर बबल से लॉन्ग में आकार दिया जाता है, और इसे कहते हैं हम लॉन्ग। यहाँ पर ये जो हमारा बबल है, और ये बबल को घुमाकर लॉन्ग का आकार दे रहे हैं, और लॉन्ग को ले जाएगा उस भट्टी में, और उस भट्टी में से फिर हमारी चूड़ी बनकर तैयार होगी। तो चूड़ी का मेन वर्क जो है वो हमारा यहाँ पर किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस भट्टी में जो है हमारी लॉन्ग को गर्म किया जा रहा है, और काफ़ी लंबा कर दिया है गर्म कर इन्हें दिया जाएगा, और फिर ये जो है एक बेलन में इसे लगाते हैं, और वहाँ पर बनती है हमारी चूड़ी जो कि पूरी तैयार हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी बारीक काम है, अगर थोड़ा सा भी हाथ हिलता है इनका तो पूरी चूड़ी की रोल बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पर जो बेलन चला रहे हैं और यहाँ से चूड़ी निकल रही है, तो यहाँ पर जो है हमारी चूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है देखने में, काफ़ी हसीन लग रही है।
और यहाँ पर हमारी चूड़ी को निकाल लिया गया है और इसका पूरा एक रोल बनकर निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि चूड़ी कैसे बनकर निकल रही है, और आप देख सकते हैं कि चूड़ी बिल्कुल साफ बनती हमें नज़र आ रही है। और आप ये भी समझ गए होंगे कि लौंग को इतना लंबा क्यों रखा जाता है, क्योंकि एक सिरा टच कर उसकी चूड़ी बन सके। जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ ये डाल रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूँ, ये केमिकल होता है। ये केमिकल बेलन पर डाला जाता है ताकि चूड़ी चुपके नहीं, ये चूड़ी के ऊपर छिड़का जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये चूड़ी के ऊपर केमिकल डाल रहे हैं जैसे चूड़ी चिपके नहीं। तो आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि हमारी चूड़ी बनकर कैसे निकल रही है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चूड़ी को रखा जा रहा है, डायरेक्ट भट्टी में से निकाली जा रही है चूड़ी, और चूड़ी को यहाँ पर रखा जा रहा है। और मैं आपको इधर दिखा दूँ, इधर ठंडी चूड़ी रखूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चूड़ी का आकार जो है एक स्प्रिंग की तरह हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये पहले स्प्रिंग की तरह होती है, फिर इस चूड़ी को आप इधर भी दिखा दूँ मैं आपको कि स्प्रिंग की तरह है। और ये दो कलर है, एक ग्रीन है और एक रेड है। और जब मैं आपको इधर दिखाता हूँ तो पहले इस चूड़ी को वहाँ पर ले आएगा, फिर वहाँ से वहाँ ले जाएगा। इसे दो जगह जाना है, पहले वहाँ पर चेक होगी फिर वहाँ पर कटाई पर जाएगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कैसे चेक होती है और कैसे इसकी कटाई होती है। तो यहाँ पर जो हमारी चूड़ी चेक होने के लिए आती है और यहाँ के मैनेजर हैं, और ये जो आए चूड़ी चेक कराने के लिए आए यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं यही सारा कुछ देखते हैं कि चूड़ी सही बनी है या गलत बनी है, किस आकार में चूड़ी को बनना है। और आप इनकी टेबल पर भी देख सकते हैं कि चूड़ी के कुछ सैंपल रखे हुए हैं, और सैंपल देख के ये बताते हैं चूड़ी सही बनी है या गलत। अब चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कैसे होती है इसकी कटाई। तो यहाँ हो रही है हमारी चूड़ियों की कटाई, जो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जब भट्टी में से चूड़ी निकलती है तो स्प्रिंग टाइप होती है, और स्प्रिंग टाइप से यहाँ पर कटाई की जाती है, फिर सिंगल चूड़ी निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूड़ी की कटाई हो रही है, एक हीरो होता है उससे चूड़ी को काटा जाता है, और यहाँ पर चूड़ियाँ भरी जा रही हैं जैसे आप देख सकते हैं। और इनका अंदाज़ा बिल्कुल फिक्स होता है, जितनी चूड़ियाँ भरनी है उतनी चूड़ियाँ भरते हैं ये। और जैसे मैं आपको उठा के दिखा दूँ एक चूड़ी, आप देख सकते हैं ये पूरी चूड़ी का तोड़ा है, और यहाँ से मैं चूड़ी उठा के दिखाऊँ तो आपको, तो ये चूड़ी आप देख सकते हैं कि इसमें ये थोड़ा कट लगा हुआ है इसमें, और कट लगने के बाद ये घरों में जाएगी, घरों में जाने के बाद इसकी सदाई की जाएगी और फिर हमारी चूड़ी बनकर तैयार होगी। और इधर आप देख सकते हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और क्या आप इससे पहले ये चूड़ी बनती हुई देख चुके हैं कमेंट बॉक्स में बताने, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये भी आप जरूर बताएं कि आप फिरोजाबाद में ऐसा क्या देखना चाहते हैं जिसके बारे में आप सुनाइए, और हमारे ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।